कोट बिसन कीने अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल कोट महेश उपाय समार कोट ब्रह्मे जग साधनला ऐसो तने गोविंद हमारा परम निमाणियों के मान गुरु नितान्यों के नयोपियों के योग न्यासनियों के आस आनंद तेरे परोसे प्यारे तेरे परोसे प्यारे मैं लाड Hey, love.
कहने का हावन तेरा विकल्प पावन तेरे भरोसे नारे तेरे भरोसे नारे I'm
भरोसे तेरे सब परवार चढ़ाया वे रिश्तेदारी दा किसे नू माया दा किसे नू अपनी ताकत दा किसे नू परोसा राजनीति दा किसे नू परोसा अपनिया फौजां दा किसे नू किसे ते परोसा किसे नू किसे ते परोसा पर कुछ ऐसे ने जिन्हां नू गुरु ते परोसा है आखो सतनाम सिंह गल परोसे ते फिर जिन्हां ने गुरु ते भरोसा कर लिया फिर उन्होंने कह दिता तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाए तेरे ते भरोसा है ते हुण दुनिया की परवाह नहीं तेरे ते भरोसा है इसे वास्ते ते मैं लाड लड़ा रहे खुशियां मान रहे हैं तेरे सिर ते मैं हुण किसे की परवाह नहीं जितने माई भाई आए हो आओ एक बारी अपने अपने वालों सतगुर दे अगे करिए अरदास सच्चे पातशाह सानू भी तेरा ही भरोसा है और तेरे भरोसे किसे दी परवाह नहीं तेरे भरोसे बिलासपुर नाम का एक राज सी इत्थे दा राजा भीम चंद अपनी सभा ला के बैठा है ते कह रहे है किसे तरीके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नु खत्म किया जाए ते हुण सारे ते माड़े नहीं हुंदे इसे राजे दा एक वजीर देवी चंद कहन लगा राजन जान बख्शी जाए ते एक बेनती करा भीमचंद कहन लगा तू मेरा वजीर है तू सलाह दे सकदा
देवी चंद ने कहा, राजन तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नो अपना दुश्मन क्यों समझते? उन्हां ते अपना पिता वारक हिंदू धर्म की रक्षा की, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਮੰਨੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਚੱਲੀਏ, सतगुरु दी शरण पै चलिए और उन्हां दे नाल रल के जुलम नूं खत्म करिए। भीम चंद नूं बड़ा गुस्सा लगा, क्योंकि कई समय एहो जिहे हुंदे ने बंदे नूं चंगी मत दिओ तां वी उह पुठे पासे जांदा। भीम चंद कहण लगा, देवी चंदा, वजीर मेरा, लोन मेरा खाना है ते गुण गुरु गोबिंद सिंह दे गारे, तू गद्दार है, जापदा तू गुरु नाल मिलिया होए ते मैं भी फिर देखना तेरा गुरु तेनू किवें बचांदा। सिपाहियां नूं हुक्म दिता, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਖੂਨੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਰਮ ਕਿੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਚੰਦ ਹੈਰਾਨ, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਤੁਰੇ, ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਫਸੋਸ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੋ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ।
खोनी घाटी ते लै गए जिथे अपराधियां नूं मौत दी सजा दित्ती जांदी सी। एक चट्टान ते एक पत्थर ते देवी चंद नूं लम्मा पा दिता, जलाद किल गर्म करन लग पए ने ते देवी चंद ए बिलासपुर दा वजीर एक वारी चार छपीरे तकदा, मरे हुए बंदियां दियां हड्डियां खिल रहियां, इल्लां उड़ रहियां, हर पासे मौत दा नजारा। फिर जलादां वल तकिया जेड़े किल पै गर्म करदे ने, एक वारी सारियां वल देखिया और फिर अपना ध्यान गुरु दे चरणा वाल कीता। अपना मन कलगियां वाले दे चरणा नाल जोड़ लिया, अखां बंद कर लिया, अखां बंद कर लिए अंधेरा हो जांदा, कुछ दिसदा नहीं। अज देवी चंद ने भी यही सोचिया, ना कोई जलाग है ना ये खूनी घाटी है, मेरे सामने केवल मेरा कलगियां वाला है, गुरु दे चरण हिरदे विच वसा ले ने, अखां विच वसा ले ने। ते देवी चंद कहिंदा है, ऐ धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह, किसे नूं किसे दा भरोसा, पर मैनूं तेरा भरोसा है और तेरे भरोसे मैनू किसे दी परवाह नहीं। तेरे भरोसे प्यारे, तेरे भरोसे प्यारे, मैला दिल लगाया तेरे भरोसे प्यारे, भूले के पार्क मोहर पिता माया, भूले सुखे पार्क मोहर पिता माया, तेरे भरोसे प्यारे मेरा गर्म हो गए। जलादा ने सनिया देना किल पकड़े, देवी चंद दे सराने आके खड़े हुए। इस वजीर दा चेहरा देखिया बड़ा शांत है, ना चिंता ना दुख। देवी चंद नूं कोई पता नहीं किल गर्म हो गए ने कि नहीं, उत जुड़िया पिया। इन्हां जलादां दे अपने मन कंबदे ने, पर इह ते हुक्म दे बच्चे। उह सड़दे सड़दे किल इन्हां जलादां ने देवी चंद दियां अखां विच ठोक दित्ते, खून वगन लग पिया। जलादा ने अपना काम किया, जांदे हुए रस्ता भी बंद कर गए, अन्ना हो गया, हथां पैरां विच बेड़ियां ने, तुर फिर सकदा नहीं, इला नोच नोच के इहदा मास खा लैणगियां। रुल रुल के ए वजीर इथे ही खत्म हो जाएगा। जलाद चले गए, पर वजीर ने ना ते कोई चीक मारी ना हाय की।
जिस कलगियां वाले ते भरोसा कीता है। शब्द पढ़ते हैं ना, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसां दा यार जिन्ना दा कोई नहीं उन्ना दा आसरा गुरु गोबिंद सिंह। आ बहुड़े उस कलगियां वाले ने हुण की कीता, हथां पैरां दियां बेड़ियां खुल गई, हथ खुले। देवी चंद ने अपने मुंह ते हथ फेरिया लहू पूंजण वास्ते, पर एक ही पाणा वरतिया अखां भी ठीक ने। देवी चंद उठ के खड़ा होया, सामने देखिया ते हैरान हो गया। जेड़ा रस्ता जलाद बंद करके सन वो रस्ता भी खुला होया। आखो सतनाम श्री। ते हुण मन इन्नी श्रद्धा और प्यार नाल भरे है। ए बिलासपुर दा वजीर अपने आप नूं कहिंदा है, चल मना हुण उस कलगियां वाले देखो, चल आनंदपुर साहब, चल के उहदे दर्शन कर जिन्ने तेरे बंधन कटे। पहाड़ी रस्ता नंगे पैर ते देवी चंद इस खूनी घाटी तू तुर पे, हालों बेहाल हो गया। झाड़ियां नाल अड़ अड़ के कपड़े भी पाट गए, पर दौड़दा जांदा है आनंदपुर साहब पहुंचिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कमरे दे बाहर पहरेदार खड़ा, ते देवी चंद हाथ जोड़ के बेनती करदे, दशमेश पिता दे दर्शन करने ने, बड़ी दूरों आया, बड़ी आस नाल। पहरेदार ने कहा, सिखा गुरु नानक दा दर सारिया वास्ते खुला, पर अज गुरु साहब दा हुक्म है किसे नु कमरे विच नहीं आण देने। तो फिर आई ते दर्शन कर ले, पर देवी चंद ए ते शुकर प्यार विच इन्ना भरे आसी खुद ही बह गया। कहन लगा, सिखा फेर ते बहुत दूर है, मैं ते एक मिनट नहीं ठहर सकदा, एक पल नहीं ठहर सकदा। जा बेनती कर, बिलासपुर दा वजीर आया है दर्शन चाहता है। एदी आवाज विच एक मिन्नत सी ते पहरेदार नूं पावे हुक्म सी, पर ओदे तुरिया ना गया। और इसने जाके साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं बेनती कीती, पातशाह कपड़े ते पाटे ने, पैर भी नंगे ने, हालों बेहाल है, पर चेहरे ते रौनक है, दर्शन चाहता है। देवी चंद नाम है ते कहिंदा, मैं बिलासपुर दा वजीर हां। जद सुनिया बिलासपुर दा वजीर देवी चंद ते साध संगत, उस वेले हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, चेहरे ते हल्की जी मुस्कुराहट आई ते कहन लगे, हां वो सच कहिंदा, वो बिलासपुर दा वजीर ही है, ओनू ते उड़ीकदे पए आ, जा अंदर लाया। आखो सतनाम श्री वाहे। पहरेदार सिंह बाहर आया, टिके आ, देवी चंदा भागा वाला है, पता नहीं केड़े जन्म दे तेरे पुन हां,
किड्डे उच्चे नसीब हन तेरे। लोग गुरु नूं उड़ीकदे ने ते कलगियां वाले तैनू पै उड़ीकदे ने। बाहूं फड़ ले चल मेरे नाल। देवी चंद ने सतगुरां दे कमरे विच पैर पाया ते मन नूं ठंड पै गई। अगे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते सराणिया दी ढोल आ के अद लेटे लम्मे पए। अद लेटे लम्मे पए ते देवी चंद ने जद मत्था टेकिया लफज कोई नहीं निकलदे, किवें धन्नवाद करां, किवें शुकर करां। परे हुए गले दे नाल और परियां हुई अखां दे नाल इहो ही किया पातशाह बड़ी कृपा कीती। जद किया बड़ी कृपा कीती ते शहनशाह उहो ही हल्की जी मुस्कुराहट पर प्यार वाली ते कहंदे ने देवी चंद कृपा ते तू मेरे ते कीती। आखो सतनाम श्री वाहे। ते देवी चंद हैरान हो गए, कहन लगा पातशाह मेरी अखां विच किल ठोके गए, हाथ पैर बेड़िया नाल बजे सन, ओ बंधन तुसां कटे कृपा ते तुसां कीती। ता उस वेले शहनशाह कहन लगे ओ देवी चंद कृपा तू मेरे ते कीती, जदू जलाद तेरिया अखां विच किल ठोकन लगे सन देवी चंदा उस वेले तू अपना ध्यान साडे चरणा दा धरिया सी। ते देवी चंद ओ किल साडे पैरां विच आ के लगे जी। नाले के नाले अपने पैरां तू चादर उतारी ते सारा बिस्तरा खून नाल भरे है। ओ गुलाब वर्गियां पैर दियां तलियां जख्मां नाल भरियां ने, सराणे थले हाथ मारिया दो लम्मे किल कड के ते सामने रख दिते ते नाले कहंदे ने क्यों देवी चंद एही किल सन, एहो ही किल सन। जद देखिया ते देवी चंद ਉਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ। सिखा जद भी कोई मन करके अरदास करता है ते दुनिया वालों उन्हों कोई भीड़ बने ओदा दुख गुरु नानक अपने ते लै लैंदा है ते सेवक नो दुख नहीं होन दिंदा। देवी चंद तू साडे ते कृपाए कीती, तू अपना ध्यान साडे चरणा दा धरिया, जे कदी तू अपना ध्यान साडे चेहरे दा तरदा ते एक किल साडियां अखां विच लगनी सन। ते जितना समा असां संसार विच रहना सी फिर बिना अखां दे रहना सी। ते देवी चंद नाले ते शुकर विच रोंदा है ते नाले कहंदा पातशाह ए ते सुनिया सी जिहड़ा गुरु नानक दी ओट लैंदा है गुरु नानक दी रखिया करदा है पर इस तरह करदा होवेगा ये कदी नहीं सी सोचिया। सा संगत कोई गुरु दा हो के ते देखे, कोई गुरु ते भरोसा करे तां सही, कोई दिलों अरदास करे तां सही। साहब जी कहंदे ने सिखा तू मन करके अरदास कर, तू श्रद्धा भावना नाल
एक कदम मेरे वाल तुर गया, मैं ते बाहां फैला के खड़ा तैनू अपने गल दे नाल लगाण वास्ते। आओ साथ सिंह आपां भी करिए अरदास, ते सच्चे पातशाह इतनी श्रद्धा इतना प्यार सानू भी दे जितना भरोसा देवी चंद दा तेरी दे है। ते तेरा ही भरोसा तेरा ही सदका जो असी सुख मान रहे हैं, ते पातशाह होर कर कृपा भुलां करदे हैं औगुण करदे हैं इन्हां तों असी बचे रही। और सत्संग जितने माई भाई बैठे हो, एक वारी इस देवी चंद दा मन विच ख्याल करो, जिन्हें गुरु ते भरोसा कीता दुनिया की परवाह नहीं कीती, ते किवें गुरु ने उहदी रखिया कीती। और एक ध्यान सतगुरु वल करो और अपने दिलों सतगुरु का शुकराना करदे आ। ये पंगतियां पढ़िए और नाले करिए अरदास। Hey.